इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बैटरी लिथियम आयरन का बैटरी किस प्रकार से बनाया जाता है उस विषय में। तो लिथियम आयरन सेल जो होता है, चूंकि बैटरी क्या है, सेलों का समूह, ये क्या है, एक सेल है। तो इस तरह के सेल को जब हम लोग साथ में जोड़ते हैं तो हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ने पे वो बैटरी हो जाता है। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब जैसे कि ये दिखता कैसा है, चूंकि मैं यहाँ पे लिथियम आयन सेल के द्वारा बैटरी बनाने जा रहा हूँ, तो ये लिथियम आयन सेल दिखता कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया लिथियम आयन सेल। तो लिथियम आयन सेल में जो है, यहाँ पे इसका टर्मिनल जो होता है दो साइड में निकलता है, एक इस साइड में होगा, इसके अपोजिट साइड में होगा। तो हर लिथियम आयन सेल के दोनों किनारों पे जो है इसका सिंबल बना हुआ रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव का। और इन केस हमें अगर नहीं पता चलता है कौन नेगेटिव है और पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मेरा मल्टीमीटर हो गया, ये मेरा मल्टीमीटर हो गया, और मल्टीमीटर को हम लोग 20 वोल्ट के डीसी 20 वोल्ट में सेट कर देंगे। और करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो प्रोब है, एक ब्लैक है एक रेड है, ब्लैक वाले को कॉमन में लगाए हुए हैं मल्टीमीटर के, और उसके जस्ट ऊपर वाले कनेक्टर में रेड वाला लगाए हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एक टर्मिनल में ब्लैक लगाते हैं और दूसरे टर्मिनल में रेड लगाते हैं, दूसरे टर्मिनल में रेड लगाते हैं। तो देखते हैं हमको 4.62 वोल्ट ये ईएमएफ बता रहा है, ठीक है, कितना वोल्टेज बता रहा है, 4.62। और यही चीज़ को मैं अभी ये पॉजिटिव में बता रहा था, ठीक है, पॉजिटिव में बता रहा था। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर हम लोगों ने गलती से उल्टा किया होता तो यहाँ पर हमको वैल्यू उतना ही बताएगा लेकिन निगेटिव में बताएगा। तो इस तरह हम लोग को इस लिथियम आयन सेल के टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर देना है, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। अब इस जैसा कि मेरा प्लान है कि मुझको जो है लिथियम आयन सेल को इस प्रकार से जोड़ना है कि हमको टोटल 25 वोल्ट या 24 वोल्ट के आसपास हमको मिल जाए, मिनिमम 24 वोल्ट मिले और उससे एबव चार्ज होने पे 25 तक जा सकता है। तो कैसे होगा, तो इस लिथियम आयन सेल में जो है प्रत्येक सेल जो है कितना ईएमएफ मैक्सिमम पैदा कर सकता है फुल चार्ज कंडीशन में, तो वो है 3.7 वोल्ट। लेकिन अभी चूंकि मैंने इसको देखा तो ये 4.6 बता रहा था, ये ओवर चार्ज हो चुका है। तो एक्चुअल में इसका कैपेसिटी कितना है, और नॉर्मलाइज चार्जिंग मेथड में 3.7 वोल्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो इस सेल का नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव से जोड़ा, फिर इसके नेगेटिव बचा उसको पॉजिटिव से जोड़ा, फिर इसका नेगेटिव बचा इसको पॉजिटिव से जोड़ा, इसका नेगेटिव बचा इसके पॉजिटिव से जुड़ा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, उसका नेगेटिव इधर से निकल गया और पॉजिटिव इधर से निकल गया। तो उस तरह से मैंने लगभग जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारा लिथियम आयन सेल है, तो मैंने 6 को पहले से जोड़ कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया है, इसको ग्लू गन के माध्यम से द्वारा यहाँ पे ग्लू गन के पेस्ट निकाल कर इसको चिपका दिया है, ये सॉलिड बन गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं
ये रेड वाला टर्मिनल ये रहा, और इसको हम लोगों ने, अब इसका जो ये टर्मिनल है, ये वाला ये टर्मिनल है, वो ये रहा, इससे ये कनेक्टेड है, फिर ये टर्मिनल कहाँ है, इससे ये कनेक्टेड है, फिर ये टर्मिनल कहाँ हुआ, इससे ये कनेक्टेड है, फिर इधर से इधर ये कनेक्टेड है, फिर इधर से इधर ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब लास्ट में ये बचता है जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले, हमको कनेक्ट करने से पहले अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 6 सेल जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बताए गए मेथड के द्वारा, उस पर हमको कितना वोल्टेज अभी मिल रहा है, वो देखते हैं। एक टर्मिनल हम लोग यहाँ पर रखते हैं, DC 20 वोल्ट में सेट किया हुआ है मल्टीमीटर को, और हम लोग इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो अभी हमारा प्रोब उल्टा लगा हुआ है, इसलिए माइनस में 19.38 बता रहा है, ठीक है। तो 19.38 बता रहा है, 19.5 वोल्ट के करीब में बता रहा है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 18 वोल्ट हुआ, और 0.7 को लेते हैं तो 7 6 42 42 हुआ, तो यह हो जा रहा 18 4 22 22.2 वोल्ट के करीब इसको बताना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा ये सेल डिस्चार्ज है, कौन इसीलिए सबका वोल्टेज मिलके केवल हमारा कितना वोल्टेज दे रहा है, फिर से देख लेते हैं। ये दे रहा है हमारा 19.5 वोल्टेज के आसपास, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्चार्ज है इसलिए। तो अगर हम लोग इसमें इसको सटे हुए या कनेक्शन किए हुए हम लोग को नापना हो है अगर वोल्टेज इस सेल का, प्रत्येक सेल का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे रखेंगे। कितना बता रहा है, 3 वोल्ट बता रहा है, माइनस में बता रहा है, अभी माइनस पॉजिटिव नहीं ध्यान दें तो हमारा 3 वोल्ट ये बता रहा है। आगे जो है हमारा कितना वोल्ट बता रहा है इसको देखना है, 2.79 वोल्ट। तो इस प्रकार से कोई ना कोई सेल अपने जो रेटेड चार्ज वोल्टेज 3.7 है उससे थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, इसलिए हमारा वोल्टेज वैसा बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिथियम आयन सेल को जो है इसमें ग्लूगन से चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद हम लोग यहाँ सोल्डरिंग करके एक तार इस टर्मिनल को इसमें शूटिंग करेंगे, और इधर से एक टर्मिनल निकाल देंगे, और तब हम लोग वोल्टेज देखेंगे कितना बता रहा है। तो मैं अब इस ग्लू गन के द्वारा इसके जो पेस्ट निकलने वाला है उसको मैं इसमें डालता हूँ, लगाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ इसको इस पर प्रेस करता हूँ बराबर करके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसका। एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, जो इसको हटाना पड़ेगा। चिपकाने से पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसके बाद इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, और जैसा कि मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, और ग्लू गन लगाने से पहले हमें चेक कर लेना ज़रूरी है कि हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव, क्योंकि हमारा यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इसके बाद इसको पॉजिटिव मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इसको नेगेटिव मिला है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। तो
तो श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ा नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा। जैसा कि मैंने देख सकते हैं, मैंने इसमें ग्लू पेस्ट लगा दिया है। अब हम इसको बराबर रख के उसको प्रेस करेंगे। प्रेस कर दिया, अब प्रेस करके इसको छोड़ देंगे, थोड़ा देर ठंडाने देंगे। ठंडाने के बाद ये बिल्कुल टाइटली सूख जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल जो है इसको इसके पॉजिटिव में जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज बता रहा है यहाँ से यहाँ, मतलब इस पूरा जो सेल बन रहा है, 7 सेल का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल से हमको कितना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब हम लोग इसका ये लीड को जो कि लंबा है उसको हम लोग कट करके छोटा कर देंगे, कि ये बगल में इससे जोड़ना है तो लंबा की जरूरत नहीं है, लंबे तार की जरूरत नहीं है, इसको कट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइज के हिसाब से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, हल्का छील लेंगे। छीलने के बाद सोल्डिंग करने का भी तरीका इसमें देख लीजिए। इसमें सबसे पहले छीलने के बाद हम लोग पेस्ट लगाते हैं, ये फ्लक्स पेस्ट लगाते हैं। लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सोल्डिंग आयरन में, सोल्डिंग आयरन में इसको लगाकर हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे वाले जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो सोल्डिंग लगाने के बाद फिर से एक बार और हम इसमें पेस्ट लगाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने ग्लूगन से इसे जोड़ लिया है और ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल निकला है उसको आखिरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सोल्डिंग जो हम लोग वायर जो है इसमें पिघला कर इसमें हम लोग फिर से फ्लक्स लगाएंगे। प्रोसेस क्या था, पहले तार को छीलें, फ्लक्स लगाएं, फिर सोल्डिंग वायर को पिघला के इसमें सोल्ड किए, मतलब इसको सोल्डिंग आयरन से वायर को पेस्ट कोटेड किए। ठीक है, कोटेड करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लक्स लगाएंगे। और फ्लक्स लगाने के बाद फिर से हम लोग सोल्डिंग आयरन में पिघला कर सोल्डिंग वायर को पिघला कर और इसके स्थिर रख कर हम लोग इसको इस पर सटाएंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे, सटाए रखेंगे। अब देख लेंगे हिल तो नहीं रहा है, तो मजबूती से है, जुड़ गया है, नहीं अभी नहीं जुड़ा है, इसको फिर से निकल गया फिर से। तो फिर से हम लोग इसको कोशिश करेंगे, कर फिर से थोड़ा सोल्डिंग वायर इसमें पिघला लिए हैं सोल्डिंग आयरन में, और इसको हम लोग, तो की बार जो है घिस के देख लेना है कि मजबूती से चिपका है कि नहीं, देख सकते हैं मजबूती से ये चिपक गया है। अब हमारा जो है 7 सेल का कंप्लीट कनेक्शन सीरीज में हो गया है। अब हम लोग इसमें जो है इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो ये रहा वोल्ट मीटर, जिसको हम लोगों ने DC 20 वोल्ट, अब चूंकि हमारा वोल्टेज जो बनेगा वो 20 वोल्ट से एबव का बनेगा, तो 20 वोल्ट से ना रख के उसको 200 वोल्ट में शिफ्ट कर देंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं 20 वोल्ट में ही रखते हैं तो क्या हमारा ये किस प्रकार से मल्टीमीटर शो कर रहा है 20 में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक टर्मिनल यहाँ पे जोड़ेंगे, एक टर्मिनल यहाँ जोड़ेंगे। देखिए, जब भी इसकी कैपेसिटी से अधिक वोल्टेज बनेगा सेल के द्वारा, तो ये 1 में आकर 1 वैल्यू शो करके फिर
फिक्स हो जाएगा वहीं पे। देखिए 1 रुपया के रुपया इसका अर्थ है जो वोल्टेज बन रहा है वो अधिक है इसके कैपेसिटी से, सेटिंग के 20 वोल्ट से अधिक वोल्टेज, तो हम उसको 200 में शिफ्ट कर देंगे। 200 में शिफ्ट करने के बाद मेजरमेंट करते हैं तो देख सकते हैं हमारा ये 24 वोल्ट के करीब में 23.9 वोल्ट दिखा रहा है, और हमको उतना आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट के बराबर आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से 24 वोल्ट का बैटरी बना लिया है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 24 वोल्ट 2.2 एम्पेयर, या इसको कह लें तो 2200 mAh, 1000 mAh बराबर होता है 1 एम्पेयर, mAh होगा 1 एम्पेयर आवर। उसी तरह जब हम 2200 mAh कहते हैं इसका अर्थ हो गया 2.2 एम्पेयर आवर, तो इसकी कैपेसिटी वही है। तो यहाँ पे इसमें डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज दे रहा है 3.7 वोल्ट। ओके, ये 2000 mAh लिखा है, सॉरी 2000 mAh है, तो इसका अर्थ है 2 एम्पेयर का है। तो ये हमारा 24 वोल्ट 2 एम्पेयर का लिथियम बैटरी बन के तैयार हो गया है, और इसका उपयोग हम लोग 24 वोल्ट से चलने वाली डिवाइस डीसी डिवाइस को चलाने में उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग जो है इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक साइकिल बन रही है 24 वोल्ट 350 वाट या 250 वाट, उसमें उसी प्रकार से बनाकर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट का हमारा लिथियम आयन बैटरी बन के तैयार हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग कनेक्शन करके जो है लिथियम आयन सेल को जोड़ कर श्रेणीक्रम में अपने आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।